Hello student, welcome to the class 3rd standard and also welcome on the online lecture video. So in the previous lecture video, we see the numbers, to write the numbers into the word form. The numbers ko humne word form mein write kiya tha and also write the word form into the numbers, numerals form mein write kiya tha. So simple is, on the page number 16 pe toh hum the, wahan pe wo humne solve kiya tha. Also we solve some filling the blanks, okay, there filling the blanks solve kiye the. So today we are starting on the next page or next topic or next question. तो हम next question solve करने वाले हैं. तो page number 17. So all of you open page number 17 on your book. तो page number 17 open करो अपने books में. So in your book, page number 17, the two table is given. Okay, तो दो tables वहाँ पे दिए गए. So top 10 score in a cricket World Cup. You know the cricket? Cricket game सबको मालूम है. ओके द क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसमें टॉप 10 स्कोर्स दिए. टॉप 10 यानी सबसे ज्यादा वाला स्कोर्स यानी दैट मींस मोस्ट रन. ओके द टॉप 10 क्रिकेटर नेम एंड देयर स्कोर. तो टॉप 10 क्रिकेटर के नाम दिए गए यहां पे देखो हियर प्लेयर नेम. ओके द हियर इज द 5 प्लेयर एंड हियर इज आल्सो द 5 प्लेयर. ओके द टोटल 10 प्लेयर. ओके एंड द राइट साइड देयर इज अ स्कोर ऑफ दिस प्लेयर. तो उस प्लेयर का कितने रन स्कोर है हाई स्कोर वो दिया गया है यहाँ पे. वन जैसे यहाँ पे देखो एपीजे. एपीजे इज द प्लेयर नेम. आल्सो एएस इज द प्लेयर नेम. सीके इज द प्लेयर नेम. शॉर्ट फॉर्म में उनके नाम दिए गए. ओके द प्लेयर के नाम और उनके राइट साइड में स्कोर सेम इधर भी वैसा ही दिया है. लेफ्ट साइड इज द प्लेयर नेम. एम डी पी के एस ए टी पी के एंड वी वी एस इज द प्लेयर नेम एंड राइट साइड इज द स्कोर ऑफ दिस प्लेयर. तो ये टेबल आपको समझ में आए. तो सिंपल स्कोर और प्लेयर के नाम दिए गए. सो बिलो द टेबल इज सम क्वेश्चन इज गिवन. वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वन बाय वन. तो टेबल के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए तो हमें वो वन बाय वन सॉल्व करने. वेरी सिंपल फिलिंग द ब्लैंक्स. आई विल राइट दिस ऑल द फिलिंग द ब्लैंक्स हियर. तो सभी राइट किए वन बाय वन हम वहाँ यहाँ पे वो सॉल्व करने वाले. सो सिंपल थिंग दिस. तो फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट. ओके लुक हियर सीके. सीके यू नो द सीके. सीके इज द प्लेयर नेम. एक प्लेयर का नाम है. सीके जस्ट मिस हिज सेंचुरी. सीके जस्ट मिस हिज सेंचुरी. सेंचुरी दैट मींस व्हाट. व्हाट इज मीन बाय सेंचुरी. सेंचुरी 100. ओके द वर्ड 100 दैट मींस 100. 100 सेंचुरी दैट मींस 100. कैसे सेंचुरी का मतलब देखो 100. ओके शतक 100 सेंचुरी. तो सीके जस्ट मिस हिज सेंचुरी. तो सीके ने अपनी सेंचुरी जस्ट मिस की है यानी उसकी सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है क्या. नहीं हो चुकी. उसने जस्ट थोड़े रन से वो मिस कर दिए. तो हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी. तो उसको सेंचुरी बनाने के लिए कितने और रन चाहिए थे. हाउ मेनी रन्स इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सेंचुरी. सो व्हाट इज द स्कोर. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द स्कोर ऑफ सीके. तो सीके का स्कोर कितना है और उसको कितने रन कम पड़ गए. तो सिंपल एक यहाँ पे देखो प्लेयर के लिस्ट में वेयर इज सीके. तो लुक हियर हियर इज द सीके. यहाँ पे सीके दे है. सो सीके ने अपनी सेंचुरी मिस की है. सीके जस्ट मिस हिज सेंचुरी. सो व्हाट इज द स्कोर ऑफ सीके. सिंपल द स्कोर ऑफ सीके इज 99. इसका मतलब उसने जस्ट वन रन से उसकी सेंचुरी मिस की है. बिकॉज द आफ्टर द 99 में 100 इज कम ऑन द सेंचुरी. ओके 99 के बाद 100 होने के बाद सेंचुरी कंप्लीट हो जाती है. बट उसका एक रन वहां पे कम पड़ गया है. तो वही क्वेश्चन फर्स्टली दिया गया है. सो सीके जस्ट मिस हिज सेंचुरी. हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी. उसको कितने रन्स चाहिए थे. सिंपली उसको सेंचुरी बनानी थी बट उसके 99 ही रन्स हो गए. तो उसको कम से कम एक ही रन मिस हुआ हो गया. एक रन कम पड़ गया. 100 माइनस 99 ओनली वन रन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ही सेंचुरी. ओके so the answer of the first question is 1. so write this answer in your book. simple one run se usne century miss ki. I hope you understand this. second number question dekhte hain. look second number question. here also the filling the blanks. dot dot and dot dot scored almost equal runs. do aise player hai jinka lagbhag equal score. equal that means same score. okay near aboutly same score. which two player has same score equal. Near about same. Okay, कौन से ऐसे almost equal score है उनका. तो ध्यान से देखो हम यहाँ पे हम player का score देखने वाले फिर बाद में उसका नाम देखने वाले. तो equal मतलब just one run का two run का difference हो सकता है. तो just कहाँ पे वो हम find करने वाले. तो ध्यान दो. तो
जस्ट देखो 128 स्कोर देखते पहले सभी स्कोर 128 199 162 152 178 105 141 112 127। तो कौन से दो प्लेयर है जिनका स्कोर लगभग इक्वल है विच? तो फर्स्ट ध्यान से देखो यहाँ पे एक्चुअली दो आंसर आ सकते हैं, तो आप उसमें से कोई भी आंसर राइट कर सकते हो। यू हैव टू राइट एनीवन आंसर ऑफ देम। सो फर्स्ट देखो और एपीजी एपीजे और यहाँ पे वीवीएस है। देखो वीवीएस एंड एपीजे द स्कोर इज ऑलमोस्ट इक्वल, ओनली द डिफरेंस इज ओनली वन रन। तो ओनली वन का रन का डिफरेंस है, तो दैट मींस एपीजे एंड वीवीएस, तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? एपीजे एंड वीवीएस स्कोर इज ऑलमोस्ट इक्वल रन्स। Okay, because the difference between them is only the one run. Okay, 127 and 128 is almost equal. और एक player है जिनका भी score लगभग equal है। कौन से? तो देखो यहाँ पे AS and CK 100. Here is the 100 and here is the 99. Only the difference is only one run. तो almost ये भी score equal है। तो आप यहाँ पे AS और CK भी answer लिख सकते हैं। बाकी के नहीं लिख सकते DM, KSV, because यहाँ पे difference बहुत ज़्यादा है। तो छोटा जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन हमने राइट किया एपीजे एंड वीवीएस फॉर ऑलमोस्ट इक्वल रन्स। ओके राइट डू राइट डाउन दिस आंसर इन योर बुक। ओके थर्ड नंबर क्वेश्चन डॉट डॉट स्कोर अ कंप्लीट सेंचुरी नो लेस नो मोर। सो डॉट डॉट स्कोर अ कंप्लीट सेंचुरी किसका स्कोर कंप्लीट सेंचुरी दैट मींस कंप्लीटली 100 नो मोर नो लेस कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है एग्जैक्टली 100 हूज स्कोर हियर टेल मी किसका है एग्जैक्टली 100 तो सो लुक हियर हियर वहां पे देखो यहां पे देखो लुक हियर हियर इज द 100 एग्जैक्टली 100 नो लेस नो मोर कम भी नहीं है ज्यादा नहीं हु इज दिस ए यस सो आवर आंसर इज ए यस ए यस स्कोर अ कंप्लीट सेंचुरी कंप्लीट सेंचुरी नो लेस नो मोर ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं तो आंसर इज ए यस। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर मोस्ट मोस्ट मतलब ज्यादा मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर सबसे ज्यादा रन किसने बनाए विच बैट्समैन इज दिस टू मेक अ मोर रन कौन सा बैट्समैन है मोस्ट रन स्कोर कौन सा यहाँ पे सबसे ज्यादा रन वाला बैट्समैन टेल मी लुक हियर 128 नहीं है उससे बड़ा है 162 उससे भी बड़ा है 152 नहीं तो 162 यहाँ पे 178 सो 178 इज द बिग स्कोर इन दिस लिस्ट 178 इज द बिग स्कोर ओके द मोस्ट रन इन दिस टेबल तो हु मेड दिस सो एमडी एमडी ने बनाए हुए वो रन है तो सबसे ज्यादा जो स्कोर है वो एमडी ने बनाया तो मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर 178 किसने बनाया वो स्कोर 178 स्कोर्ड बाय 178 मैं सिंपली लिखता हूं स्कोर्ड बाय हु एमडी स्कोर्ड बाय एमडी 178 स्कोर्ड बाय एमडी मोस्ट स्कोर मोस्ट रन स्कोर ओके ये भी समझ में आया। नेक्स्ट लास्ट सेकंड क्वेश्चन डॉट डॉट एंड डॉट डॉट हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट वन रन बिटवीन देम दो प्लेयर ऐसे जिनका डिफरेंस ओनली वन रन है तो कौन से ऐसे दो प्लेयर है जिनका डिफरेंस ओनली वन रन का है यहाँ पे तो सिंपली हमने जो सेकंड नंबर का है 128 एंड 127 इसका डिफरेंस ओनली वन रन का है ऑल्सो एएस एंड सीके 199 का भी डिफरेंस वन का है तो एक कोई भी आंसर हम यहाँ पे राइट करते हैं ओनली वन डिफरेंस अभी पहले एपीजे और वीवीएस राइट किया था अब एएस और सीके राइट करते हैं सो एएस एंड सीके हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट वन रन बिटवीन देम ओके सर हैव अ डिफरेंस बिटवीन जस्ट वन रन इन बिटवीन देम वन रन का डिफरेंस किसका एएस एंड सीके ओके यहाँ पे प्लेयर के नाम राइट करें नॉट देयर इज नो नीड टू राइट द स्कोर हियर डोंट राइट हियर स्कोर Here write the name of player. Okay, the AS and CK have a difference of just one runs between them. Also, you write the answer APJ and VVS. This answer is also the correct answer. वो भी write कर सकते, वो भी correct answer है. Now, last question. तो last question अभी देखो. Dot dot score two more than one and a half century. Who score two runs
हाफ सेंचुरी से ज्यादा दो रन है उसके, वन एंड हाफ, वन सेंचुरी दैट मीन्स 100 एंड हाफ दैट मीन्स 50 एंड उससे भी दो ज्यादा, वन एंड हाफ दैट मीन्स 150, वन एंड हाफ दैट मीन्स 150, 150 दैट मीन्स वन एंड हाफ सेंचुरी एंड उससे भी ज्यादा दो रन से ऐसा कौन सा प्लेयर है, दैट मीन्स 152, हु स्कोर इज दिस इन दिस लिस्ट, विच प्लेयर डॉट डॉट स्कोर टू मोर देन वन एंड हाफ सेंचुरी, हु 152, हु स्कोर इज 152, लुक हियर 152 इज हियर, तो व्हाट इज द प्लेयर नेम, सो सिंपल KSP, सो द KSP scored two more than one and a half century. तो KSP का score one and a half century से दो से ज्यादा है. Okay? तो बहुत ही simple था ये. बहुत ही ये सभी six question यहाँ पे, तो सभी question बहुत simple है. You have to write this question in your write this answer in your book or also write this question in your notebook and also write the answer. सिंपली ये दो टेबल राइट करने हैं, यहाँ पे प्लेयर के नाम, यहाँ पे स्कोर, और ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द क्वेश्चंस, वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस, सिंपली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड राइट देन आंसर्स. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप. सो स्टूडेंट, टुडे स्टॉप, वी स्टॉप हियर. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच.